अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू मेक पेपलम शर्ट। सो आज हम बना रहे हैं एक पेपलम स्टाइल शर्ट, जो कि ज़्यादातर जो है वो थोड़े से हेल्दी और बल्की लोग जो है वो पहने, तो ज़्यादा उसमें आप हेल्दी नहीं लगते। जैसा कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, तो मैं अपने लिए ये शर्ट अभी स्टिच करूँगी और कटिंग करने का मैं अभी आपको इसका तरीका बताती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इसके लिए मैंने ये एक कपड़ा ले लिया, ठीक है। ये खादी की मेरी शर्ट है और इसकी मैं अभी पेपलम कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसको दो हिस्सों में फोल्ड कर लिया है। मुझे इसकी लेंथ चाहिए, ये फ्रंट है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें। उसके बाद हम इसकी हमें इसकी टोटल लेंथ चाहिए तकरीबन 32 इंचेस, जिसमें से मैं 15 इंचेस मुझे ऊपर का ब्लाउज चाहिए होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ब्लाउज हमें 15 इंचेस चाहिए। तो 32 में से अगर हम 15 इंचेस माइनस करें, 1 इंच के नीचे मैं एक इंच जो है वो मैं सीम अलाउंस रख रही हूँ। तो 33 इंचेस में मैंने इसको रखा है और 15 इंचेस ऊपर से मैंने इसके लिए माइनस कर देने हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा मार्क कर लेंगे इसको, मेरे पास ब्लू चौक है और ब्लू ही कपड़ा है, लेकिन ये कि मुझे ये नजर आ रहा है। इस तरीके से मैं इसको 33 इंचेस पे मैंने यहाँ नीचे रखा है और यहाँ पर इसको 15 इंचेस पे मैं मार्क कर लूंगी। इसी तरह से इसके इस साइड पे भी, हाँ ये साइड बैठा, 33 इंचेस पे रख के इसको हम सिंपली 15 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। पेपलम बेसिकली जो है वो चेस्ट से थोड़ा सा टाइट होता है और उसके अलावा नीचे से इसकी फ्रिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि आप उसमें हेल्दी नहीं लगते, आपकी जो बेली फैट होता है उसको ये हाइड कर देता है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे। इसको इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक को कटिंग कर लेना। गेट अ साइड हानिया, इस तरीके से नीचे से हमने इसका जो ऊपर ब्लाउज बनेगा और नीचे की साइड पे इसका बन जाएगा घेरा। ये मैंने इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया। इसका जो नीचे हमने प्लेट्स डालनी है दोनों साइड्स पे, फ्रंट पे और बैक पे, ये मैंने इनको सेपरेट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर की ब्लाउज बना लेंगे। ब्लाउज के लिए ओके व्यूवर्स, सो अब हम इसकी ऊपर की ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। और ब्लाउज की कटिंग के लिए सिंपल, हमने सबसे पहले लेंथ और वेट कपड़े की सिलेक्ट कर लेनी है। लेंथ हमें 15 इंचेस चाहिए, क्योंकि टोटल हमें लेंथ पेपलम की जो है वो 32 इंचेस चाहिए। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 इंचेस ऐड की है, 15 हमें चाहिए, तो मैंने 17 इंचेस पे इसको रखा है। और इसकी विड्थ हमने मैं अपने लिए ये बना रही हूँ, इसलिए मुझे इसकी विड्थ तकरीबन जो है वो 13 इंचेस पे मैंने इसको रखा है। टोटल मुझे इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 11.5 इंचेस पे चाहिए या 12.5 इंचेस पे, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 इंच ऐड कर लिया। तो अब सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक दोनों इस तरीके से लेंथ और विड्थ कटिंग कर लेनी है। लेंथ और विड्थ कटिंग करने के बाद हमने सबसे ऊपर इसके शोल्डर मेजर करने हैं। सबसे पहले शोल्डर जो है वो मुझे मेरे 15 इंचेस है और 15 का हाफ जो है वो 7.5 होगा। हमने हर मेजरमेंट्स जो है इसकी हाफ पे इसको मार्क करना है, क्योंकि हमने कपड़ों को डबल किया हुआ है। तो अब हम 7.5 इंचेस पे मैंने इसको मेजर कर लिया है। हनी गेट अ साइड, अगर ऊपर से 7.5 होगा तो नीचे की तरफ हम इसको
8.5 रखेंगे। यहां से मैंने इसको 7.5 मेजर किया है, तो यहां पर मैं इसको 8.5 पे मेजर करूंगी। हानिया कैन यू प्लीज गेट अ साइड, आई एम मेकिंग अ वीडियो। एक्सक्यूज मी, आई एम मेकिंग अ वीडियो, गेट अ साइड प्लीज। आई वांट टू डू इट, यू कांट डू इट हानिया, आई एम डूइंग स्टिचिंग, प्लीज गेट अ साइड। यहां ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से मैंने 7.5 इंच रखा है, तो नीचे की तरफ मैं इसको 8.5 इंच रखूंगी। साढ़े आठ रख लिया, और यहां से अगेन मैंने इसको 7.5 पे रखना है। हानी नीड टू गेट अ साइड, चेस्ट मुझे तकरीबन चाहिए इसकी 11.25। ओके व्यूअर्स, हम इसको इस तरीके से यहां से चेस्ट का मार्क कर लिए। उसके बाद हम यहां से राउंड सर्कल ऊपर से इसको मिक्स कर लेंगे, सॉरी इसको अटैच कर लेंगे। सर्कल एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर लेना। ये हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई। अब मैंने इसका ऊपर से शोल्डर डाउन की जो कटिंग होती है वो हम कर लेंगे। उसके लिए नेक लाइन मैंने 4 इंचेस माइनस कर दिए इसमें से, 4 इंचेस में मार्क किए, और उसके बाद हमने इसको पहले एक्स्ट्रा मैं रिमूव कर लेती हूँ इसके ऊपर से, और 4 इंचेस पे मार्क करने के बाद हमने 1/2 इंचेस नीचे इसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, ताकि इसके शोल्डर डाउन हो जाए, बिकॉज हमारे शोल्डर जो हैं वो थोड़े से स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, स्लोपी से होते हैं। इस तरह कर लिया। अब चेस्ट हमने ऊपर से तकरीबन मैंने इसको मेजर किया है तकरीबन 11.25 पे, और नीचे की तरफ जो है मैं इसको 10.5 पे मेजर करूंगी। यहां से अब मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग कर रही हूं। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये कितनी अच्छी मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। एज यू कैन सी, इस तरीके से ये कटिंग हो गया। ये इसके लिए हमने सीम अलाउंस तकरीबन 1/1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, इस तरीके से ये इसका सीम अलाउंस हो जाएगा। तो ये इसकी हमने कटिंग कर ली है पेपलम की। ये इसका नीचे का इस तरीके से इसकी हम प्लेट्स डालेंगे। बनाने का तरीका, स्टिचिंग करने का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से हमने इसकी पेपलम की कटिंग की है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल इजी लगा होगा।